हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस इज लर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे इज 14th मार्च एंड दिस विल बी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज टारगेट RIC 2022. तो टारगेट RIC 2022 में ये हम लोग का फोर्थ वीडियो होगा. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है. पहले दो वीडियो में हमने टीचिंग क्या है वो डिस्कस किया था, और एप्टीट्यूड क्या है उसको अलग अलग वीडियो में दो वीडियो में डिस्कस किया था. जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो. ठीक है, और चैनल पे भी आप देख सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो. तो डेली यहाँ पे ये सब वीडियोज़ जो हैं अपलोड होता रहेगा, जो कि RIC 2022 के लिए टारगेट करेगा. इसमें रीजनल बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी बीएड, पीसीएमसी बीएड, बीए बीएड, एमएससी बीएड एंड 2 ईयर बीएड कवर होंगे. 2 ईयर एमएड आल्सो विल बी कवर्ड बाय दिस सीरीज. तो सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा. जिनको नहीं पता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यहाँ पे ये सिलेबस है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया. ये हमने डिटेल इसको ब्रेकअप किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो. उसके बाद इसके रिलेटेड हम आपको अगर हेल्प चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं. उसमें 2 किताब आपको मिलते हैं, एक थ्योरी बुक है, एक MCQ बुक है. थ्योरी बुक में तीनों के थ्योरी, 3 सब्जेक्ट आपको इस एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, इंग्लिश, टीचिंग एंड रीजनिंग. तो ये तीनों का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी का यहाँ पे थ्योरी एंड MCQ अलग अलग बुक आपको मिलेगा. इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सेट है वो मिल जाएंगे. अगर आप स्टडी मटेरियल परचेज करते हो तो आपके पास हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दिया जाएगा, और आपको उसके साथ साथ 10 ऑनलाइन फुल मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे. ठीक है, और अगर आप सेपरेटली ऑनलाइन टेस्टेस को परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप परचेज कर सकते हो. अगर आप स्टडी मटेरियल के साथ परचेज करते हो तो स्टडी मटेरियल का प्राइस तो 1000 रहता है, और इसके साथ अगर आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हो, फुल मॉक टेस्ट सीरीज जो है, इसमें आपको 30 फुल टेस्ट एंड 50+ एक्सटर्नल टेस्ट मिलेंगे. तो एक साथ परचेज करते हो तो आपको 1500 लगेगा, नहीं तो अगर आप सेपरेटली परचेज करते हो टेस्ट सीरीज तो 750 रुपीज़ विल बी द कॉस्ट. एंड इसके अलावा अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, देखो ये जो सीरीज ऑफ वीडियोज़ हो रहा है ये तो आपको कुछ फ्री वीडियोज़ मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, कंप्लीट जो है इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए एंड कंप्लीट एग्जाम रिलेटेड स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ जानना है, गूगल मीट के थ्रू हम लोग क्लास करते हैं वो ज्वाइन करना है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. क्रैश कोर्स का फी जो है वो 4500 है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है. अगर आप 31 मार्च से पहले ज्वाइन करते हो तो आपको 3500 रुपीज़ पे करना है. इसमें अगर आप ओनली 2000 पे करते हो तो आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे और क्लास नोट्स मिल जाएंगे. अगर 2500 पे करते हो तो आपको ऑनलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, और 3500 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, मतलब ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएंगे. अप टू एग्जाम यहाँ पे हमारा क्लासेस चलेगा. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन. तो अभी हम लोग आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं. आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड को डिटेल में समराइज करेंगे. अब टीचिंग एप्टीट्यूड को समराइज करते हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग पीपल्स नीड, एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग. ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग द पीपल्स इंटरेस्ट, पीपल नीड्स. ओके, पीपल के जगह यहाँ पे आप स्टूडेंट ले सकते हो. तो स्टूडेंट्स का नीड, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, ये सबको यहाँ पे एड्रेस करता है. ठीक है, टीचिंग प्रोसेस. तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज द प्रोसेस अटेंडिंग. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर क्या करता है, अपना जो स्टूडेंट्स हैं उनका नीड, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स को यहाँ पे एड्रेस करते हैं. जितना ज़्यादा अच्छे से वो एड्रेस कर पाएंगे उनका टीचिंग एप्टीट्यूड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. ठीक है, मतलब वाइस वर्सा आप बोल सकते हो, जितना ज़्यादा उनका टीचिंग एप्टीट्यूड है उतना अच्छे तरह से वो उनका नीड, एक्सपीरियंस, फीलिंग, ये सबको ध्यान में रखते हुए लर्निंग या फिर एजुकेशन उनको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग द पीपल्स नीड, एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स एंड मेकिंग स्पेसिफिक इंटरवेंशन टू हेल्प देम लर्न पर्टिकुलर थिंग्स. अगर कोई बच्चा समझ नहीं पाता है तो उसको समझाने के लिए टीचर यूज स्पेसिफिक इंटरवेंशन, टीचिंग एड यूज करते हैं, कोई फील्ड ट्रिप्स में लेके जाते हैं, कोई वीडियो दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं लेकिन बच्चों को समझाते हैं. तो वो जब स्पेसिफिक इंटरवेंशन टीचर यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. ओके, उनका टीचिंग एप्टीट्यूड जितना अच्छा होगा उतना ईजिली वो बच्चों को समझा पाएंगे, और उतना ईजिली वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स या फिर डिफरेंट इंटरवेंशन को यूज कर पाएंगे. ठीक है, क्लियर, दिस इज द थिंग. देन इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, इंटरवेंशन मतलब उनके पढ़ाई में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं उनको पढ़ाई को जानने के लिए कि बच्चा कितना समझ रहा है,
हाउ मच द स्टूडेंट्स इज गेटिंग फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट या फिर गेटिंग फ्रॉम योर क्लास, उसको जानने के लिए आप क्या करोगे, यू विल आस्क द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, यू विल लिसन टू द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स, यू विल गिव देम इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, यू विल एक्सप्लेन डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट फिनोमेनन टू द स्टूडेंट्स प्रॉपरली. Wherever required, you will also demonstrate a different skill. आप चीजों को different way में demonstrate भी करोगे, skill का भी demonstration करोगे, different process का demonstration करोगे. उनका understanding को test करोगे exams के through, then उनका capacity का test करोगे, oral test भी कर सकते हो. उसके साथ साथ यहाँ पे उनका learning activity को क्या कर सकते हो, आप different way में facilitate कर सकते हो. For example, note taking उनको पढ़ाते time बोलते ना कि आप important छोटे छोटे point को आप note down करते रहो, डिस्कशन उनके साथ कर सकते हो उनका नॉलेज लेवल को या फिर उनका लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए. डिस्कशन मेथड इज द बेस्ट मेथड. क्वेश्चन आता है विच मेथड इज द बेस्ट वन, तो डिस्कशन मेथड. देखो अगर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड अगर पूछेगा कि विच मेथड इज द इफेक्टिव वन, तो उस केस में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है इफेक्टिव, जिससे बच्चे बहुत इजीली समझ पाते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि आप चीजों को क्या करते हो, यू मेक द थिंग्स इजी for the students by demonstrating the phenomena or the particular things or particular activity, physics, chemistry, maths, इन सब का आप demonstration से उनका जो experiment वगैरह करके दिखाते हो बच्चों को. तो demonstration method is easy for the students to understand a topic properly and to know the knowledge level of the students and to properly interact with the students. Discussion method is the best one. तो बच्चों के साथ अच्छे से आप मतलब उनके knowledge level को test करने के लिए, उनका अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए, उनका नॉलेज लेवल या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल को ट्रैक करने के लिए बेस्ट मेथड होता है आपका डिस्कशन मेथड. ठीक है, डिस्कशन कर सकते हो बच्चों के साथ, असाइनमेंट्स दे सकते हो, क्रिएटिविटी को एनहांस करने वाला असाइनमेंट दे सकते हो, उसके साथ साइमुलेशंस या फिर डिफरेंट प्रैक्टिस करा सकते हो बच्चों को. ठीक है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करा सकते हो, एक्सपेरिमेंटेशन, एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, कुछ भी कर सकते हो उनका नॉलेज लेवल या लर्निंग एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए. रिमेंबर टीचर, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज, टीचर को फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चे का लर्निंग लेवल या फिर लर्निंग में टीचर क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, मतलब ईजी बनाते हैं उनका नॉलेज लेवल को, पूरा ट्रांसमिट नहीं करते, ईजी बनाते हैं. नॉलेज तो ट्रांसमिट करते हैं लेकिन उनका जो लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें वो फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं या फिर उनको गाइड करते हैं प्रॉपरली कि वो जो है प्रॉपरली कैसे वो नॉलेज को गेन कर सके. दैट्स योर टीचर इज ऑल्सो नोन एज गाइड, फिलोसोफर एंड फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज. ठीक है, एक एजुकेशनल फिलोसोफिस्ट थे जिनका नाम है बिंगहम. बिंगहम ने बोला था टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए स्पेसिफिक एबिलिटी, सबके पास नहीं होता है. आप लोग क्या है कि आप चाहते हो कि टीचर बनने के लिए, इसीलिए आप RIC का एग्जाम देना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है RIC इतना डिफिकल्ट है, फिर भी आप उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो. इसका मतलब आप एक बेस्ट टीचर बनना चाहते हो, या फिर टीचर आप टीचिंग इज अ ड्रीम फॉर यू, टीचर जॉब आपके लिए एक ड्रीम है, तो इसीलिए आप टीचिंग जॉब में आना चाहते हो. तो सबके अंदर वो एबिलिटी नहीं होता, ठीक है, सबके अंदर वो चीज़ नहीं होता कि हमको टीचर बनना है. ठीक है, हमको बहुत मेहनत करना है, डेफिनेटली एक टीचर बनना है. तो एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, सबके पास नहीं होता. ठीक है, टीचिंग है एप्टीट्यूड या स्पेसिफिक एबिलिटी, जो आप अच्छे से पढ़ोगे सब कुछ तो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा. ठीक है, अभी जितने चीज़ हम पढ़े हैं बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे आराम से कर लेते हैं, तो आपके अंदर वो स्पेसिफिक एबिलिटी धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं. RIC एग्जाम आने तक टीचिंग फील्ड में ये जो पर्टिकुलर चीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है. क्योंकि अगर आप रोज क्लास अटेंड करते हो या फिर अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाते, देखो क्लास लाइव अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लाइव नहीं कर पाते हो तो उस केस में आप रिकॉर्डेड कर सकते हो अटेंड, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लाइव क्लास डेफिनेटली अटेंड करना. और जितना चीज मैं समझाऊंगा आपको उसको अच्छे से समझना, ट्रिक्स को अच्छे से समझना, कीवर्ड को ध्यान देना, ठीक है, और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को अच्छे से करना, ये सब चीज़ आप करोगे कि जो MCQ बुक है उसमें भी कुछ डाउट होता है आप पूछ सकते हो. इतने जो चीज़ है लिमिटेड थिंग्स है, इसको अच्छे से करते तो आपको कोई वेबसाइट और कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे कंपाइल किया गया है. टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो वो क्वेश्चन यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है, व्हाट इज टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो टीचर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न या फिर मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो मैं दिखा दूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है ये, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर. ठीक है, तो देखो, तो
स्पेसिफिक एबिलिटी है। अगर आप इस लिमिटेड थिंग्स को एमसीक्यू बुक में जो चीज है, थ्योरी बुक में जो कॉन्सेप्ट्स है, क्लासेस में जो ट्रिक्स आपको बताया जा रहा है, जो कीवर्ड्स आपको बताया जा रहा है और टेस्ट सीरीज, इतना करते हो लिमिटेड, तो आराम से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ये जो स्पेसिफिक एबिलिटी जिसके बारे में बिंगहाम बोल रहे हैं वो आपके अंदर आ सकता है इजीली। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए स्पेसिफिक एबिलिटी, पोटेंशियलिटी, इंटरेस्ट, सेटिस्फेक्शन, फिटनेस इन द टीचिंग प्रोफेशन, ये सब एक कीवर्ड है। एबिलिटी एक कीवर्ड है, पोटेंशियल जो मैंने बोला था कि इंडिविजुअल पोटेंशियल, हर एक बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल होता है, टीचर का काम होता है कि उसको मतलब कैसे वो एनकरेज करे, ये भी कीवर्ड है। इंटरेस्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का तो बच्चे कुछ समझ नहीं पाएंगे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में तो आप एक अच्छा टीचर नहीं बन पाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो इंटरेस्ट है। सेटिस्फेक्शन फिटनेस भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है एक टीचर के लिए, स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है कि नहीं? यस सर, प्रॉपरली क्लियर सर है सर। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, आई थिंक अरुण इज हैविंग सम प्रॉब्लम। तो अरुण आप एक बार अपना नेट को ऑन ऑफ कर दो और जितने भी अदर एप्स चल रहे हैं उसको हटा के सिर्फ गूगल मीट को ओपन करो, आपका नेट थोड़ा फास्ट होगा और आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसको हम रिकॉर्डेड वीडियो भी ग्रुप में दे देंगे, ठीक है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। कोशिश करो कि आपका जो नेटवर्क वो सही रहे, प्रॉपर जोन में रहो, या जिस सिम में आपका नेटवर्क ज़्यादा फास्ट होता है वो नेटवर्क का यूज करो, एयरटेल या जियो जो भी सही है आपके जगह पे वो यूज करो। और कोई पूछ रहे हैं जनरल, शुभश्री, जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? जनरल अवेयरनेस देखो टीचिंग के फील्ड में तो जितना इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको दे दिया गया है, और सी यू सी एट के लिए अगर आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा कुछ टीम फॉर्मेशन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो टीम था मेनली आर आई सी के लिए था, और सी यू सी एट के लिए मुझे और कुछ टीचर चाहिए होंगे क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सबका पढ़ाना है, और बी एड का टू ईयर बी एड के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, उनके लिए टीम रेडी है, तो कुछ दिन में हम रेडी करके फिर सब कुछ आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आप खुद से अगर पढ़ रहे हो तो जनरल अवेयरनेस में आपका थोड़ा बहुत, आप अगर एजुकेशन को छोड़ के आर आई सी के अलावा किसी का आप बोल रहे हो तो उसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा देखते रहो और हम भी आपको बताएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। आप इसी सेशन से हम लोग सी यू सी एट के लिए भी स्टार्ट करेंगे कोर्सेस, तो टेंशन मत लो आप। यस, नया शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सर कुछ सी यू सी एट एग्जाम के पैटर्न में सर कुछ चेंजेस आया है? हाँ, सी यू सी एट के देखो ये बोला गया है कि जितने भी एग्जाम है वो एनटीए के थ्रू होगा और वो सी यू सी एट ही डेफिनेटली कंडक्ट करेगा, और दूसरा चीज ये है कि सिलेबस शायद चेंज हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा कि चेंज होगा, सिलेबस शायद चेंज हो सकता है, तो वो देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि सिलेबस चेंज होगा, फिर भी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी सारे यूनिवर्सिटीज का एक एग्जाम होगा जो एनटीए कंडक्ट करेगा, और एक होगा एनटीए तो होगा, एक और होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो है, और कुछ है मतलब एनसीईपी करके है या कुछ है जो मुझे थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो एक कंडक्टिंग अथॉरिटी होगा जो कि एक प्रॉपर पैटर्न बनाएगा जो कि सारे कॉलेजेस जितने भी यूनिवर्सिटी है सबको ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह से बनाया जाएगा, तो उसको भी ये करना है ध्यान देना बिफोर स्टार्टिंग एनी कोर्स। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा अच्छे से जानना पड़ेगा। यस, फेडरल क्वेश्चन फिर 11 12 के, हाँ 11 12 के भी आएंगे वहाँ पे सी यू सी एट में, ठीक है, साइंस के बीएससी बीएड के केस में सर हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए जनरल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे ना? नहीं नहीं, हिस्ट्री एंड पॉलिटी के लिए देखो बहुत जनरल रहेंगे तो कि प्रेसिडेंट का ये कितना रहता है, टाइम पीरियड कितना रहता है, इस तरह से बोलो, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत जनरल रहेगा अगर रहेगा तो आप कुछ दिन वेट करो सी यू सी एट के लिए, कुछ दिन वेट करो, मैं ही सब कुछ आपको बताऊंगा कलेक्ट करके, अभी चल रहा है प्रोसेस, क्वेश्चंस कलेक्ट करने होंगे और सब कुछ स्टार्ट करना होगा, तो थोड़ा दिन वेट करो, अभी थोड़ा इसके तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि हमारा मेन गोल तो आ रही है, ठीक है, तो इसके तरफ पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली, मैं फरवरी के बिगिनिंग तक हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेडी कर देंगे, ठीक है, तो सी यू सी एट के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तो वेट करो थोड़ा दिन। तो
इसीलिए वही चीज है कि मतलब अगर वही कम ही सीट रहता है तो बाकी बच्चों का क्या है, बाकी बच्चों का हम कोशिश करेंगे डेफिनेटली CU CET में ही उनका हो जाए, क्योंकि RI के बाद कोई और इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है जो कि एग्जाम CU CET के थ्रू कराते हैं। तो हम कराएंगे, डोंट वरी, हम फरवरी के स्टार्टिंग तक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो आप चिंता मत करो, मैं अभी प्रोसेस चल रहा है उसका टीम बनाने का, क्योंकि वो एक आदमी का काम नहीं है, बहुत काम। देखो मैंने जब RI का सिलेबस बनाया था तो 4-5 महीने मुझे किताब बनाने में लग गया, तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा। तो एक आदमी मैं अकेला करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक टीम बनाते हैं पहले और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आप लोग कुछ दिन वेट करो, डेफिनेटली मिल जाएगा इस बार हमारे तरफ से आपको, ठीक है? देखो, सो टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स एन इंटरेस्ट इन टीचिंग वर्क, ओरिएंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, जैसे हमने देखा कि इट इज स्पेसिफिक एबिलिटी जो सबके अंदर नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर टीचर के अंदर होते हैं। पोटेंशियलिटी है, इंटरेस्ट है, सेटिस्फेक्शन है, आप कितना सेटिस्फाइड हो टीचिंग में, जितना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड होगे आपका एप्टीट्यूड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। आप कितने फिट हो टीचर बनने के लिए, कितना फिट हो, फिटनेस भी होता है। फिटनेस मतलब कि आपका मेंटल एबिलिटी कैसा है, फिटनेस मतलब यहाँ पे मेंटल फिटनेस के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है? आप मेंटली कितने फिट हो, ये चीज़ है, ये सब रहता है। उसके साथ साथ टीचिंग वर्क्स जो होते हैं उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है डिफरेंट प्रिंसिपल्स का, डिफरेंट मेथड्स का, अंडर द गैम्यूट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड अगर बहुत बड़ा जगह है तो उसके अंदर टीचिंग स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है, टीचिंग स्किल्स, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 5, ठीक है? जो 5th टॉपिक है हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या टीचर का स्किल होता है, जो टीचर के अंदर जो स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल, रीइन्फोर्समेंट्स का स्किल, ये सब हम लोग इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप में पढ़ेंगे। और टीचर का स्टूडेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उनके पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल्स के साथ, पेरेंट्स के, सबके साथ जो डिफरेंट, देखो इंट्रापर्सनल मतलब एक पर्सन के अंदर और इंटरपर्सनल मतलब पर्सन टू पर्सन, दो आदमी के अंदर, ठीक है? ये चीज है। और लास्ट में आपका लास्ट टॉपिक जो है वो जनरल अवेयरनेस है एजुकेशन के रिलेटेड। जिनको नहीं पता मैं बोल देता हूँ कि 6 टॉपिक है, हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आते हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आपका 2 क्वेश्चन आ जाएगा डेफिनेटली, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो भी दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में, हम लोग डिस्कस भी करेंगे, आप भी पढ़ सकते हो। तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को तो डिस्कस कर लिया, अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग को थोड़ा देखते हैं।